ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के सेशन में। और आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर पे। जी हाँ, मुझे बहुत सारे से रिक्वेस्ट आए कि सर कुछ ब्लड प्रेशर के लिए बताइए, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या लो हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी सारे प्राणायाम्स हैं, लेकिन मैं आज बताऊँगा आपको वही प्राणायाम जो बहुत ही सरल, ईजी और काफ़ी इफेक्टिव है। तो उनमें से आपको दो प्राणायाम करना है, और आप देखेंगे तो अगर आप रेगुलर आप इसे कर रहे हो तो आपके ब्लड प्रेशर में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगर लो है तो मेंटेन होगा, हाई है तो भी मेंटेन होगा। तो ये जानते हैं क्या करना है हमें। हमें इसमें दो प्राणायाम करने हैं। एक है अपान वायु मुद्रा। जी हाँ, अपान वायु मुद्रा मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इसका बहुत ही गहरा प्रभाव है हमारे हार्ट के ऊपर। हमारे हृदय को बहुत ही स्वस्थ, मजबूत और तंदुरुस्त रखता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल से भी कनेक्टेड है। तो आज फिर मैं उसके बारे में थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि अपान वायु मुद्रा हमें कैसे करने हैं। अपान वायु मुद्रा के लिए हमें जो पहली उंगली है, फर्स्ट फिंगर, को अंगूठे के नीचे रखना है, एकदम बेस ऑफ द थंब, यहाँ पे इस तरह से। और बाकी की जो तीनों उंगलियां हैं, मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर, उसको अंगूठे के साथ ऐसे टच कर देना है, ठीक इस प्रकार से। तो आपकी फर्स्ट फिंगर अंगूठे के नीचे आ गई, और पहली फिंगर, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर, ये दोनों टिप ऑफ द थंब, और स्मॉल फिंगर आपका ऐसे स्ट्रेट होगा। और यू हैव टू सीट लाइक दिस, आपको ऐसे आराम से बैठ जाना है, आंखें बंद रखते हुए ध्यान ये रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, और पूरा ध्यान अपने सांसों पे रखेंगे। धीरे धीरे सांस आपको लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। बहुत ही सौम्य तरीके से सांस लेना है, जैसे मैं ले रहा हूं, और बहुत ही धीरे धीरे आराम से छोड़नी है। तो इस तरह से आपको सांस लेना है और छोड़ना है। ये तकरीबन 10 मिनट आपको करना है, 10 मिनट्स, जब भी आपको समय मिले। आप जिस तरह से मैं बैठा हूँ, पद्मासन, अर्ध सुखासन या सुखासन में जैसा चाहिए वैसा बैठ सकते हैं और इस मुद्रा को लगा सकते हैं। चेयर पे भी बैठ सकते हैं। इनफैक्ट चेयर पे भी जब आप बैठ रहे हो तो आपको सिर्फ देखना है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे। बस अगर इसे आप भरपूर रोज प्रयास कर रहे हो तो आपके ब्लड प्रेशर में बहुत ही संतुलित बना रहेगा और बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। और इसी को जोड़ते हुए दूसरा जो प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन। हमारी 72,000 नाड़ियों को प्यूरिफाई करती है, उसे संतुलित करती है, शुद्ध करती है। तो जो भी नाड़ियां हमारी तनाव के वजह से और ब्लड के प्रेशर के वजह से संकुरित हो जाती हैं, सिकुड़ सी जाती हैं, उसे वो काफ़ी सिस्टमेटिकली फ्लो के साथ उसको करके रखता है। तो आइए वो भी बता रहा हूँ मैं आपको, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत ही लेवल में रखती है, हाई को लो और दोनों को बैलेंस करके रखती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड से चिन मुद्रा करना है। चिन मुद्रा यानी कि फर्स्ट फिंगर और थंब, पहली उंगली और दूसरी उंगली को एक दूसरे से टच करना है इस प्रकार से। और टच करने के बाद उसे यहां ऐसे आप अपने घुटने पे रख सकते हो, और बाएं हाथ से, लेफ्ट साइड से आपका जो अंगूठा है वो आपका राइट नॉस्ट्रिल की तरफ जाएगा इस प्रकार। अंगूठा दाई नाक की तरफ, फर्स्ट और सेकेंड फिंगर बिटवीन द टू आईब्रोज, और रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल की तरफ जाएगा। यानी कि आपकी पोजीशन इस तरह इस प्रकार होगी, इस स्थिति में ऐसी होगी। यहाँ पे आ गया आपका अंगूठा राइट नोज के इधर, फर्स्ट और सेकेंड फिंगर बिटवीन द टू आईब्रोज जहां हमारा आज्ञा चक्र है, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर ये दोनों लेफ्ट नॉस्ट्रिल बाई नाक की तरफ। अभी करना क्या है, आपको दोनों नाक से सांस लेना है, इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, छोड़ देना है। उसके बाद दोनों नाक से सांस भरेंगे आप, इनहेल, और राइट साइड का बंद करेंगे आप, दाईं तरफ के अंगूठे को, नाक को बंद करेंगे
और यहां से आपको लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ना है, धीरे से एक्सेल करना है। फिर लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे, यहां से बंद करेंगे आप इसे लेफ्ट साइड को, और राइट साइड से छोड़ना है। फिर राइट साइड से लेंगे, बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट साइड से लेना है, क्लोज द लेफ्ट साइड, एक्सेल फ्रॉम राइट साइड। तो दोस्तों इस प्रकार आपको कम से कम 9 राउंड करना है, या कम से कम मैं बोलूं तो 7 से 8 मिनट आपको एक तरफ से सांस भरनी है। यहां बंद किया आपने, लेफ्ट साइड से लिया आपने, लेफ्ट साइड से लिया, बंद किया, राइट साइड से छोड़ा, जिसको हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल भी ब्रीथिंग कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी सारी नाड़ियों को शुद्ध कर देती है, उसे प्यूरिफाई करती है, जो 72,000 नाड़ियां हैं, और ब्लड प्रेशर में ये रामबाण का काम करती है। तो जब भी आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, वैन एवर यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर, वेदर इट इज ए लो और हाई, तो ये 2 प्राणायाम आप जरूर कीजिए, अपान वायु मुद्रा और दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए तनाव इतना हमारे जिंदगी में भर चुका है रोजमर्रा की लाइफ में कि ये कभी कम नहीं होना है, बट हमारे शरीर को हम उन तनावों के साथ लड़ने के लिए मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्राणायाम को पूरा कीजिए, जीवन को एकदम स्वस्थ बनाइए। कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने पूरे परिवार का, समाज का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। Thanks for watching me. Om Namah Shivaya. Thank you.